सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि जो ग्राफ जो होगा, मुझे जो ग्राफ पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन का पढ़ना है, पैराबोला का पढ़ना है, ठीक है, हाइपरबोला का पढ़ना है। हाइपरबोला के जो दो टाइप्स होते थे, y = c/x^n, उसका ग्राफ पढ़ना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद इलिप्स और फिर सर्कल का, ठीक है, तो ये मुझे, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो ये मुझे इतने सारे ग्राफ्स पढ़ने हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताया था, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला का, जस्ट एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अनम्यूट कर रहा हूं किसी को, सबसे पहले हैंड रेज कीजिए। तो अगर मैं पूछूंगा कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, तो कितने लोग रिप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, एनीवन? चलिए रौनक रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ रौनक बताइए, क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन? जैसे x by y, नहीं y by x, नहीं, ऐसे ही बोल सकते हैं, चेंज इन y by चेंज इन x। ये लाइन के बारे में हमने पढ़ा, मतलब पूछा, आपने फिजिकल क्वांटिटीज को ये डिफाइन किया है, चेंज इन y upon चेंज इन x, ये बाद में आता है, ठीक है, ये बाद में आएगा, अभी स्लोप ऑफ द लाइन हमने सिर्फ पूछा है, ठीक है, वो आपने बेसिकली रेट ऑफ चेंज में चले गए आप, ठीक है, आएंगे उस पर भी जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे ना। टेन थीटा भी कह सकते हैं स्लोप को, टेन थीटा, तो ये थीटा क्या होना चाहिए, थीटा एंगल, कौन सा एंगल, यही तो डिफरेंस होगा। हाँ गुलशन, चलिए आपको मौका देते हैं, आप बताइए। तो इसमें सर एक्यूट एंगल होगा, और या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर इसको मापेंगे सर। एक्यूट एंगल होगा, नो नो नो, ऑब्ट्यूस होगा सर, एक्यूट में ऑब्ट्यूस। यहाँ हमने ऐसा कुछ लिखवाया था क्या कि ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा, ऐसा तो कुछ लिखवाया ही नहीं था। मृगंक बताएगा लग रहा है, हाँ मृगंक बताओगे स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? एंगल कुछ भी हो सकता है, नहीं, एंगल कुछ भी नहीं हो सकता है। स्लोप ऑफ अ लाइन में देखिए, सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि स्लोप जो होता है टेन थीटा होता है, लेकिन वहां पे थीटा क्या होता है? तो दो तरह से, किसी ने बताया कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है, तो मैं ये बता दूं कि अगर मुझे सिर्फ लाइन के लिए बताना होगा तो ये स्टेटमेंट ज्यादा सही नहीं होगा, ठीक है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि किसी भी कर्व में, फिजिकल क्वांटिटी में, उन सब में जब हम स्लोप डिफाइन करते हैं वहां पर ये सब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ अगर लाइन का पूछा जा रहा है तो हम बोलेंगे कि इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, क्या होगा, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, तो इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है, मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, श्रेयांश सही लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं गाइस, इसका थ्योरी लास्ट के क्लास में दिया हुआ था तो मैं बस रिकॉल करते हुए चल जा रहा हूं, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, लेट से मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, इस तरह का कोई लाइन ड्रॉ कर लिया, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट से कि यहां पर एंगल बना है यहां से लेकर थीटा एंगल बना, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा, ऑफ द लाइन जिसको हम लोगों ने बताया था कि m से डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन को हम लोग हमेशा m से लिखते हैं, m की वैल्यू क्या हो जाती है, tan ऑफ थीटा हो जाता है, tan ऑफ थीटा, तो क्या होता है, इट इज द एंगल, या इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब होता है कि एंगल का tan थीटा,
मेड बाय द लाइन, लाइन के द्वारा जो बनाया जाए विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर और इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, क्योंकि आप जानते हो कि 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है, ये अगर इस पाम को मैं एक लाइन मानूं तो इस तरह का एंगल सीधे 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से कम करने के लिए इस तरह से एंगल होना पड़ेगा, ऐसे होगा तो राइट एंगल हो जाएगा और इस तरह से लाइन बनेगा तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अगर एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस और ये हुआ मेरा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हुआ, यहां पे भी ये ओरिजिन होगा। तो अगर मैं यहां पर एक दूसरा लाइन बनाऊं, लेट से मैंने ऐसे बना दिया, तो अब मेरा एंगल जो है, एंगल यहां से लेंगे, यहां से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएंगे। हमने आपको बताया था कि एंगल का मेजरमेंट किधर से करेंगे भाई, तो जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा ना उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होगा, ये लाइन इस एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रही है, तो इसके बाद वाले हिस्से से मैं एंगल मेजर करूंगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका थीटा जो होगा, यहाँ पे मैं स्लोप एम जो बोलूंगा, एम की वैल्यू यहां पर भी टेन थीटा होगा, ठीक है। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा टेन थीटा अगर वैल्यू है और एक्यूट एंगल है तो उस केस में मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि यहां पर इस पहले वाले केस में मुझे जो स्लोप मिलनी है वो पॉजिटिव हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरा एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा मिल रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता है कितना है, लेकिन गारंटी के साथ यहाँ पे देख के मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो tan ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री ये मुझे निगेटिव वैल्यू मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है। तो और थीटा 180 से ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब आप देखिए कि एक एक्सिस पर टोटल लाइन एंगल कितना बन सकता है, तो यहां से लेकर यहां तक बनेगा, तो हमारा थीटा जो है वो जीरो से लेकर 180 डिग्री तक बनेगा, जीरो से लेकर 180 डिग्री तक बनेगा, ठीक है। अब चलिए मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं, एक एक्सिस का स्लोप कितना होता है, कौन कौन बता सकता है, जस्ट रेज योर हैंड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए। रौनक रिप्लाई, ये सभी लोग चैट में रिप्लाई कर दीजिए, चैट में रिप्लाई कर दीजिए, तो एक्स एक्सिस पे स्लोप का वैल्यू मैंने पूछा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे रौनक, रौनक का आंसर सही है, सनी का आंसर सही है, और लोग रिप्लाई कीजिए एवरीवन, हर्ष, हर्ष, मानस, क्रिस, रॉबिन्स, सौरभ, प्रफुल का आंसर आया, श्रेयांश तुम्हारा भी आंसर नहीं आया अभी तक, सनी, अच्छा सनी ने आंसर दे दिया है, नहीं एक्स एक्सिस का मैंने पूछा है हर्ष, एक्स एक्सिस का स्लोप का वैल्यू क्या होता है, तो अभी तो हमने बताया कि भाई अगर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को अगर हम लाइन की तरह ट्रीट करें तो एक्स एक्सिस के साथ ही जीरो डिग्री का एंगल बनाएगा या 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो जीरो के केस में या 180 के केस में, दोनों के केस में मेरे स्लोप की जो वैल्यू मिलेगी वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया हुआ है, लास्ट क्लास का पीडीएफ आप देखोगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ये जीरो मिलता है भाई, जीरो मिलता है, ये लास्ट क्लास में बताया हुआ है। और उसी तरह स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना होता है, स्लोप ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस नहीं, स्लोप हम पूछ रहे हैं, हम वैल्यू एंगल नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप एंगल लिख नहीं सकते हो, एंगल उसका tan थीटा लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे अमृत, अमृत का आंसर सही है, शनि का आंसर सही है, क्या हो गया श्रेयांश तुमको, बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे। चलिए इनफाइनाइट होगा, क्या होगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्लोप होगा, या कुछ लोग इसको अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, नो डाउट, और यू कैन राइट अनडिफाइंड। तो जो लोग अनडिफाइंड और लिखे हैं नॉट डिफाइंड या लिखे हैं इनफाइनाइट, दे ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्लोप देखा था। एंड नाउ मैंने आपको बताया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला फॉर्म हमने आपको बताया था, ठीक है। लाइन का फॉर्म कौन सा था? स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? तो ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जैसे क्लास टेंथ में आपने लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते थे, x की वैल्यू रखते थे, फिर y का वैल्यू निकालते थे, उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करते थे और उस सभी पॉइंट को ज्वाइन करते थे, तो आपको लाइन का इक्वेशन मिलता था, लाइन का ग्राफ मिलता था एक्चुअली। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, उतना तिकड़म नहीं अपनाने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे पास कुछ सर्टेन फॉर्म्स है और उस फॉर्म के तरीके से मैं क्या करने जा रहा हूं, लाइन का इक्वेशन, लाइन का ग्राफ देखना चाहता हूं डायरेक्टली। तो बताइए, तो सभी लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखिए, तो एवरीवन जस्ट राइट द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सभी लोग लिखिए। तो बहुत अच्छे हर्ष, सनी यहां का आंसर आ गया, और लोग रिप्लाई कीजिए, 17 लोग हैं और रिप्लाई का एक्सपेक्टेशंस है, बहुत अच्छे, गुड गुड, चलिए बहुत अच्छे, यानी कि जनता पढ़ के आई है, नहीं तो दिस इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। सभी लोग m को स्मॉल लिखेंगे, ध्यान दीजिए कुछ मैथ्स में स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज किए गए हैं, ठीक है, मैथ्स में स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किए हो तो उस स्टैंडर्ड नोटेशन को आप वैसे ही रहने दीजिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ठीक है। आप उसको कैपिटल एम मत लिखिए, आप इस सी को बी मत लिखिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहां पर ये जो एम होता है, ये जो एम होता है यहां पर, ये स्लोप ऑफ द लाइन होता है और ये वाई इंटरसेप्ट होता है, ये क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप है, और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये होता है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करती है। अगर c का वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब y एक्सिस को, वो y एक्सिस को ऊपर कट करेगी, x एक्सिस के ऊपर कट करेगा, और अगर ये c का वैल्यू निगेटिव होगा तो y एक्सिस को निगेटिव में कट करेगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग इसका ग्राफ बनाइए, y इक्वल्स टू x माइनस वन, इसका ग्राफ सभी लोग बनाइए। तो जस्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x माइनस वन, सभी लोग बनाइए, हो जाए तो बताइए। अमृत कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप, जो कुछ पूछ, जो लोग कुछ पूछना चाहते होंगे जस्ट रेज योर हैंड, हैंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, तो सभी लोग लिखिए डन, अगर हो गया ग्राफ तो डन लिखेंगे, अदरवाइज नहीं हुआ तो नो लिखेंगे। सनी हैज डन, मंजेश का नहीं हुआ। अच्छा मंजेश, लास्ट क्लास आप ज्वाइन किए थे क्या? मंजेश जस्ट राइट यस और नो, लास्ट क्लास आपने ज्वाइन किया था? लास्ट क्लास ज्वाइन करने के बाद नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए तो कहां प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, वार्निंग, वार्निंग,
आगे बढ़ते। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करूंगा देखिए अगर इससे मैं कंपेयर करूं y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करता हूं तो मुझे m की वैल्यू जो है गाइस वो 1 मिलेगी। m का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा इससे कंपेयर करूंगा तो। और c का जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे -1 मिलेगा। ध्यान रहे c का वैल्यू मुझे -1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ m का वैल्यू 1 है इसका मतलब कि ये tan of थीटा इक्वल्स टू 1 इसका मतलब थीटा जो है 45 डिग्री बनना है यानी कि 45 डिग्री बनना है और वो y एक्सिस को -1 पर कट करेगा तो बस मैं इसको बना दूंगा y इंटरसेप्ट -1 है तो इस लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग आई कैन ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस फर्स्ट ठीक है। अब देखिए मैं ब्लू कलर से बनाता हूं ये y एक्सिस को -1 पर कट करेगा y एक्सिस का -1 मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया ये वाला पॉइंट -1 है। अब -1 बनाते हुए दो तरह से एक रफ स्केच पहले बना लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो देखिए मैंने पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया y एक्सिस को -1 पर -1 को कट करते हुए दो तरह की पॉसिबिलिटी होगी एक तो लाइन मेरा ऐसे बन सकता था और दूसरा -1 को कट करते हुए दूसरा ऐसे लाइन बन सकता था लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पर एंगल जो है वो एक्यूट होगा 45 यहां पर हो सकता है यहां पर भाई 90 से ज्यादा का एंगल मिल जा रहा है क्योंकि स्लोप जो है वो निगेटिव हो जा रहा है और स्लोप तो मुझे 1 चाहिए पॉजिटिव चाहिए तो मुझे ये वाला जो लाइन मिलेगा दैट इज द करेक्ट लाइन ठीक है ये मेरा जो लाइन होगा वो सही होगा तो मैं इसका जो ग्राफ जो बोलूंगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है गाइस। तो नाउ और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है वो 45 डिग्री का एंगल बना है ठीक है थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर 45 डिग्री है। जिसको कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो कि ये ग्राफ कैसे बना है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन ठीक है एवरीवन और अदरवाइज राइट सी और डी सी फॉर द क्लियर एंड डी फॉर द डाउट एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट सेक्शन में सभी लोग ठीक है बहुत अच्छे गुड। उसी तरह अब इसका ग्राफ बनाइए लेट से मैंने बोला कि यू हैव टू प्लॉट y इक्वल्स टू ये किसका ग्राफ है इस ग्राफ को लिख देता हूं मैं y इक्वल्स टू x माइनस 1 लेट से मैंने बोला कि y इक्वल्स टू -3x प्लस 4 इसका ग्राफ बनाइए तो सभी लोग y इक्वल्स टू -3x प्लस 4 सभी लोग ट्राई कीजिए तो एक बार ठीक है तो रौनक हैज डन ठीक है रौनक सबसे पहले बनाया
तो देखिए अब फिर से मुझे और लोग से बनना चाहिए था गाइस, और लोग से बनना चाहिए था। सिर्फ एक लड़के ने किया, हर्ष, आदित्य, अमृत, अनन्या, आप लोग भी ट्राई करो बाबू। गुलशन, गुलशन का भी हो गया। गुलशन कुछ पूछना है क्या आपको? गुलशन, अच्छा ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, गलत है तो फिर तो ओरिजिन से पास नहीं होगा बाबू। एक ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा, देखिए ओरिजिन से कैसे पास होगा, ये तो वाई एक्सिस को फोर पर कट करेगा ना। हाँ गुलशन ने हैंड रेस किया है, हाँ क्या बोलना चाहते हो गुलशन? मेरा अगर चैट पर मैसेज नहीं आ रहा है। चैट आया तो है आपका चैट पर मैसेज? वेट वेट वेट, नहीं आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आई थिंक कुछ एक बार से रीज्वाइन कर लीजिए फिर से, ठीक है रीज्वाइन कर लीजिए गुलशन। तो देखिए यहां पर ये जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा, हाँ 90 डिग्री से, तो मैं देखिए यहाँ पे स्लोप जो है मेरा, स्लोप एम की वैल्यू मुझे -3 मिली है, -3 मिला है, इसका मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनाने जा रहा है, ठीक है। और C का वैल्यू 4 मिला है, इसका मतलब ये लाइन वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव वाई में कट करेगा, तो कट करेगा तो मैं कर लेता हूं। देखिए इसका ग्राफ मैं यहां पर बनाऊंगा, ठीक है। तो एक बार इसको बनाने से पहले अगेन मैं आपको एक रफ स्केच दिखा देता हूं। लेट से ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई को y की वैल्यू -4 ऊपर मिलेगा, सॉरी +4 ऊपर मिलेगा। अगर +4 ऊपर मिलेगा तो दो तरह से लाइन पॉसिबल है, या तो लाइन इस तरह से जाती या तो लाइन इस तरह से जाएगी, ठीक है। अगर लाइन ये रेड वाला अगर लाइन होगा तो यहां पर मुझे एंगल जो है, देखिए एंगल x एक्सिस के साथ ऐसा मिल रहा है, अगर एंगल ऐसा मिल रहा है तो ये एक्यूट एंगल हुआ, ऑब्ट्यूस नहीं हुआ, और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट लाइन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए ये जो लाइन होगा करेक्ट होगा, बिकॉज यहां पर एंगल ऑब्ट्यूस मिल रहा है मुझे और वाई का इंटरसेप्ट +4 मिल रहा है, राइट। तो ये अगर एक्स एक्सिस हुआ और ये अगर वाई एक्सिस हुआ और यहां पर मुझे कहीं +4 मिला, यहां पर कहीं मुझे +4 मिला, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस लाइन का ग्राफ ऐसा बना सकता हूं। अब अगर पूछा जाए कि यहाँ पे एंगल कितना हुआ भाई, तो थीटा मुझे एम की वैल्यू इतना मिला हुआ है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा की वैल्यू मुझे -3 मिला हुआ है। तो मैं थीटा को लिखने के लिए बताया था कि इस फॉर्म में जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में पॉसिबल नहीं हो पा रहे हो आप, तो आप कहिए कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो टेन इनवर्स -3 होगा, सिंपली इतना कर दूंगा मैं। तो अगर मुझसे ये एंगल पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो यू कैन राइट कि आवर थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ -3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब जिनका ओरिजिन से गया था उनका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो दे कैन आस्क वंस अगेन। ठीक है, चैट में मुझे किस तरह का रिप्लाई मिला है, क्लियर है? अच्छा सेम सर, आई डन लाइक यू, गुड, मेरा सही है सर ग्राफ, बहुत अच्छे। तो कुछ लोगों ने नहीं रिवीजन नहीं कराएंगे, बस इसको जल्दी से हाफ एन आवर का टाइम देंगे, बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम है ना, तो आपका भी रिकॉल हो जाएगा रौनक, ठीक है। चलिए एक और, मैं एक नहीं दो ग्राफ और ड्रॉ करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, y इक्वल्स टू x का ग्राफ,
एवरीवन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा ये पहला ग्राफ है इस साइड पर एम्बलान होगा, और दूसरा ग्राफ यहां पर मैं लूंगा वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। गलत आंसर है रौनक, रौनक गलत आंसर है बाबू। हाँ ओरिजिन से पास होगा, अमृत सही है आपका। और कोई, ओरिजिन से भी दो तरीके से पास होगा, एक इस तरह से होगा ठीक है, एक्यूट बनाते हुए और एक ऑब्ट्यूस बनाते हुए। तो देखिए यहां पर मैं बोलूंगा अगर मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं, किस से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, लेट मी राइट इन रेड कलर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं जीरो ऐड कर सकता हूं भाई, और मैं इसको कंपेयर करूंगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। अगर मैं ये कंपेरिजन करता हूं तो मुझे m की वैल्यू गाइज 1 मिलती है और c का वैल्यू 0 मिलता है। c का वैल्यू 0 मिलने का मतलब हुआ कि ये y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब कि y एक्सिस को ये 0 पर कट करेगा। y एक्सिस का 0 कहां होगा भाई, ओरिजिन ही तो होगा, ओरिजिन ही होगा, और m की वैल्यू 1 है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। सो अगर मैं ग्राफ की के टर्म में बात करूं, ग्राफ के टर्म में बात करूं तो ये ऐसा, इसके लिए भी बना देता हूं अभी, ग्राफ के टर्म में अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब मुझे पहले ही पता चल गया है कि ओरिजिन को वाई एक्सिस को 0 पर कट करेगा, इसका मतलब यहां से कट करना है और ये 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मेरा ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये लाइन जो है एंगल कितना बना रहा होगा, 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा यहां पर, ठीक है। उसी तरह दूसरा वाला ग्राफ, दूसरा वाला जो ग्राफ है वो कैसा होगा, तो यहां पर मैं अगर कंपेयर करूंगा तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आई विल कंपेयर दिस बाई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगेन। यहां पर भी मैं कंपेरिजन करता हूं तो मुझे m की वैल्यू -1 मिलती है और c की वैल्यू 0 मिलती है। m की वैल्यू -1, इसका मतलब कि tan थीटा की वैल्यू -1 हो रही है। tan थीटा की वैल्यू -1, आपको मैंने वो ट्रिगो में चार्ट दिया था याद करने के लिए, tan थीटा की वैल्यू -1 कहां होती है, 135 डिग्री पर गाइस। तो थीटा तो मुझे मिल गया 135 डिग्री, और मुझे अगेन c की वैल्यू 0 मिली है। c की वैल्यू 0 मिलने का मतलब हुआ कि अगेन ये y एक्सिस को 0 पर कट कर रहा होगा। सो आई विल राइट दिस इक्वेशन एज कि ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा ओरिजिन से पास करेगा, और ओरिजिन से पास करेगा और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। एंड नाउ दिस एंगल इज थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री, 135 डिग्री, राइट। चलिए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हाउ वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट टू प्लॉट अ ग्राफ इन फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में कुछ ग्राफ का कॉन्सेप्ट अलग होगा, तो लिखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्या करता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं किसके टर्म में, ग्राफ के फॉर्म, फिजिक्स के फॉर्म में। तो आइए हाउ वी विल ड्रॉ, हाउ कैन वी ड्रॉ, हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ इन फिजिक्स। The graph in physics. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं ग्राफ के फॉर्म, फिजिक्स के फॉर्म में कैसे यूज करूंगा।
फिजिक्स में ग्राफ का यूज कैसे करूंगा ये देखना चाहता हूं मैं, राइट। इसको दूसरे कलर से कर लेता हूं ताकि तो देखिए ग्राफ वाला समझ में नहीं। अच्छा रॉबिन्स हम लोग सेंटर पे मिल लेंगे, ठीक है, बिकॉज ये आगे निकल चुका हुआ है, ठीक है, ग्राफ वाला समझ में नहीं आया, लेकिन क्लास करते रहिए, ठीक है। कम से कम स्लोप के टर्म से तो आप जाने ना कि स्लोप क्या होता है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, अब ये सब टर्म्स आप सुन रहे हो ना तो ये ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि इसको मैं फिजिक्स में कैसे यूज करूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये ध्यान रहना, आप ये क्वेश्चन कर सकते थे कि सर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अलग कैसे हो जाएगा, यहां पर तो एक्स एंड वाई एक्सिस है, ऐसा ही कुछ वहां पे भी होगा। तो भाई थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिक्स रहता है, लेकिन आप फिजिक्स में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको दिया हुआ नहीं रहेगा कि एक्स एक्सिस के बीच ड्रॉ, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि आप इसके बीच एक इक्वेशन लिखते हैं फिजिक्स का, एक इक्वेशन लिखते हैं फिजिक्स का, लेट से मैंने लिखा कि v इक्वल्स टू u प्लस at, क्या ये ग्राफ, क्या ये इक्वेशन आपने याद किया हुआ है, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ये आप याद करते हो सभी लोग को, ये वाला इक्वेशन क्लियर है क्या, ये वाला इक्वेशन क्लियर है। और यहां पर हाँ याद है, नाइन्थ में था, गुड, नाइन्थ में ही होगा, ये वाला क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मुझे यहां पे कह दिया, मुझसे यहां पे पूछ दिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन पूछ दिया यहां से, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। तो देखिए क्लास नाइन्थ में भी आप इसका ग्राफ पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे आपको इसका ग्राफ याद करना पड़ा होगा, लेकिन अब हम लोग याद नहीं करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वी वर्सेस टाइम, वी को मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, वी वर्सेस टाइम, ठीक है, जैसे होता है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ये वर्सेस वाला वो वाला वर्सेस है, VERSUS, ठीक है, वर्सेस। तो मुझे V वर्सेस T के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे इसका मतलब कि मुझ और बाकी सभी को टेकिंग, मैं लिखूंगा यहां पे टेकिंग U एंड A, एंड A एज कॉन्स्टेंट, एज कॉन्स्टेंट, राइट, इस तरह से कि मुझे वी यू और ए को, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मानना है, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होगा ये, ठीक है। अब मुझे वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस कोई भी वाई एक्सिस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स क्या क्या है, इसमें ज्यादा कुछ मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूं, रफ आइडिया स्टेप्स, पहला, ठीक है, टेक द वेरिएबल बिफोर द वर्सेस एसीवेस है वर्सेस ऑन द वाई एक्सिस एंड द वेरिएबल
एंड द वेरिएबल आफ्टर द वर्सेस versus on x-axis, right? मैंने क्या लिखा हुआ है कि वो वेरिएबल जो वर्सेस के पहले है, वर्सेस के पहले कौन है यहां पर, v है, तो v को मैं y एक्सिस पर लूंगा और वर्सेस के बाद में जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसको मैं x एक्सिस पे लूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या करना होगा, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, हाँ, टाइम को एक्स पर लेना है। वेल डन, सही है। इसका मतलब कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, वी वर्सेस टी का ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मेरा जो टी है वो इस एक्सिस पर होगा, यानी ये वाला एक्सिस जो होगा वो टी एक्सिस टी होगा और ये वाई एक्सिस पर मुझे क्या लेना होगा, वी लेना होगा। गाइस, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? एवरीवन जस्ट राइट येस और नो। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब दूसरा, ये लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको बस कुछ याद रखना होगा कि सम इंपॉर्टेंट दूसरा स्टेप नंबर टू है, ये कन्वर्ट योर इक्वेशन। आप ये नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये इनिशियली हम लोग अभी सीख रहे हैं, जब तक ना तब तक के लिए कॉन्सेप्ट मतलब वैलिड होगा, बाद में ये खुद ही आप ऑब्जर्व करने लगोगे, इसको टी को एक्स के फॉर्म में देखना है मुझे, तो अंदर अंदर सोचने लगोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जब जैसे क्लास 6-7 में रहे होंगे और डेसिमल का सम पढ़ते हैं, तो जैसे मुझे लिखा हुआ है कि 2.3 और फिर मुझे दे दिया कि 4.69, तो ऐड करने के लिए बोलते हैं ना कि इसको टू डिजिट का बनाते हैं तब ऐड करते हैं, लेकिन आप वो फाइनली जब इसके एक्सपर्ट हो जाते हो तो ये जीरो आपको देखने की जरूरत होती है क्या? आप मन में ही सोच लेते हो कि भाई यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। वैसे ही अभी क्या करना है, अभी कुछ समय के लिए जब हम एक्सपर्ट नहीं है ग्राफ बनाने में, तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट योर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि आपको अपने टर्म्स को किसके रूप में लिखना है, एक्स एंड वाई के रूप में। कैसे लिखेंगे गाइस? तो मुझे वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी दिया हुआ है, v = u + at। तो अब देखिए, v के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ आई एम एबल टू राइट v एज व्हाट, v को मैं y लिख सकता हूं एंड दिस इक्वल्स टू, इसको मैं a को तो ऐसे लिख दिया, x को पहले, या एक बार आपको लिख दे रहे, नहीं तो पता चलेगा क्या कहेंगे, ये u इधर कैसे आ गया, a इंटू एक्स ऐसा लिख सकता हूं। और अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे तो इसको हम मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस यू, ठीक है। एंड दूसरा एंड द लास्ट स्टेप इज use the fundamental concept of physics। physics का fundamental concept use करोगे, क्या होगा वो fundamental concept guys? तो ये होंगे कि the square term, square term कभी भी negative नहीं होगा, इसका use करेंगे, the square term time
टाइम प्रेशर प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैन नेवर बी निगेटिव, कैन नेवर बी एटसेट्रा लिख देते हैं। और भी एक्चुअली बहुत दिन से मेरा फिजिक्स छूटा हुआ है, बहुत दिन से क्या, हाँ करीब 12 साल के लगभग से फिजिक्स छूटा हुआ है, तो मैं इसमें एटसेट्रा लगा देता हूँ, बहुत सारे टर्म्स मुझे याद भी नहीं आ रहे होंगे ठीक है, लेकिन ये आपको यूज करना होगा। जैसे आप जानते हो स्क्वायर का टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होता है, जैसे हाँ एक यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, ये सभी आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ये सब वेरिएबल तो एक्चुअली नहीं लेते, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ। एटसेट्रा एटसेट्रा कैन नेवर बी निगेटिव, ये सभी कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे दिखना भी चाहिए ठीक है। अब मैं आता हूं, नहीं टेम्परेचर हमने देखिए टेम्परेचर नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा है, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो स्केल होता है बताइए, तो सभी लोग लिखे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को का यूनिट क्या होता है, किसमें हम लोग मापते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में मापते हैं, एंड केल्विन जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है, क्लियर है। तो केल्विन जो है केल्विन स्केल जीरो से मेरा इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जीरो केल्विन बोलते हैं, एंड जीरो केल्विन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्लियर है। तो अब आपके ये डाउट क्लियर होना चाहिए, मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए मैंने बहुत दिन छूट गया है फिर भी मैंने ध्यान रखा है इस बात को। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस बात को मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो देखिए मुझे ड्रॉ करना है वाई इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया वाई इक्वल्स टू यू प्लस ए एक्स के फॉर्म में, और ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस यू को बाद में लिख दे रहे हैं, प्लस यू को बाद में लिख दे रहे हैं। अब चूंकि स्पीड दे रहा है, ये एक तरह से स्पीड ही होता है, फाइनल स्पीड इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड प्लस समथिंग, तो इनिशियल स्पीड जो होगा कुछ भी पॉजिटिव होगा गाइस। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं, पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं ठीक है, इसको बोलते हैं रफ ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे, मैं रफ ग्राफ बोलूंगा, रफ ग्राफ बोलूंगा। और रफ ग्राफ में मैं बोलता हूं कि ये तो मेरा एक्स एक्सिस हुआ, देखिए ये ग्राफ अभी इस वाले टर्म के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हुआ हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यू कहीं ऊपर होगा गाइस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इनिशियल स्पीड कुछ रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, अगेन पॉजिटिव होगा तो दो पॉसिबिलिटी है यहां पर, एक पॉसिबिलिटी है कि इधर से जाएगा और दूसरा इधर से जाएगा। मैंने एक्सीलरेशन को भी यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, लेट से एक्सीलरेशन दोनों हो सकता था, रिटार्डेशन हो सकता है या हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन हो सकता है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे मान लीजिए कुछ पॉजिटिव हमने ले लिया, तो पॉजिटिव होगा तो मेरा इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देखिएगा ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, जस्ट राइट यस और नो, ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस यू, जहां पर मैंने u इनिशियल स्पीड तो कुछ रहा होगा ना भाई, इनिशियल स्पीड कुछ रहा होगा तभी तो मैं फाइनल स्पीड की बात कर रहा हूं, और तो वो पॉजिटिव हो रहा होगा, ये वाला टर्म यहाँ पे u हो गया, ये क्या हो गया u हो गया, और एक्सीलरेशन को मैंने पॉजिटिव लिया, रिटार्डेशन नहीं लिया हुआ है,
तो ये इस तरह का ग्राफ हो गया। अब फिजिक्स के टर्म में मैं इस, अब ये ग्राफ मैथ्स के फॉर्म में मैंने बना दिया। अब फिजिक्स के फॉर्म में बनाने के लिए मैं ये कहूंगा कि मेरा ये वाला जो एक्सिस होगा, मेरा ये जो एक्सिस होगा वो टाइम वाला एक्सिस होगा, ये टाइम वाला एक्सिस होगा, क्योंकि मुझे v वर्सेस t ग्राफ बनाना है, v वर्सेस t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है। तो v मेरा y एक्सिस पर हो जाएगा और t मेरा x एक्सिस पर हो जाएगा, और इसका ग्राफ जैसा वहां पे दिख रहा है ना वैसा ही यहां पर बना दीजिए, वैसा ही यहां पर बना, ठीक है। चलिए, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा u। अब देख ले ये y एक्सिस पर t का कोऑर्डिनेट जीरो होगा ना, यहां पर अगर हम u है, अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप क्या बोलोगे कि ये जीरो कॉमा यू है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा यू हो जाएगा। जीरो कॉमा यू का मतलब क्या हुआ, एट टी इक्वल्स टू जीरो यू की वैल्यू, मतलब वेलोसिटी जो है वो यू है, और यही तो होना चाहिए, ये इनिशियल वेलोसिटी था तो ये मिल गया। क्या ये ग्राफ 100% सही है गाइज, जस्ट राइट येस और नो ऑनली, क्या ये ग्राफ 100% सही है, एनीवन कोई कुछ बता सकता है भाई? तो अभी ये ग्राफ 100% सही नहीं है गाइस, बिकॉज हमने यहां पर अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को यूज नहीं किया है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्या कहता है कि टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, लेकिन मैंने जब ये इस डायरेक्शन में आप जाओगे, इस वेलोसिटी के वेलोसिटी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, तो इस साइड में जा रहे हो तो टाइम तो निगेटिव हो जाएगा इस, तो ये जो ग्राफ मिला होगा वो निगेटिव टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग मिला होगा। सो आई हैव टू कट दिस, कट द पार्ट ऑफ दिस लाइन बिफोर दिस वेलोसिटी एक्सिस, मुझे इसका पार्ट रिमूव करना होगा ग्राफ से, ये वाला ग्राफ मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। ये वाला जो ग्राफ मुझे मिला है वो टी को निगेटिव मानते हुए मिला था, टी को निगेटिव मानते हुए मिला है, ठीक है। तो अब मैं इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ जो बोलूंगा, इसका ग्राफ सिंपली ये हो जाएगा, इसका ग्राफ सिंपली ये हो जाएगा। मैं दूसरे लाइन, दूसरे पेज पे बना दे रहा हूं। सो मुझे फाइनल जो ग्राफ मिलेगा दैट बी समथिंग लाइक, दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरा टी एक्सिस, ये मेरा v एक्सिस, ठीक है, और मेरा जो लाइन मिला है वो इधर से ही मिला है सिर्फ इस तरीके, ठीक है गाइस। एंड नाउ दिस इज, ये जो पॉइंट होगा ये u हो गया, ये क्या हो गया, u हो गया, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ v इक्वल्स टू u प्लस at। क्या ये सभी को क्लियर है, जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन, चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए येस और नो, अगर क्लियर नहीं है तो हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और तरीके से समझ सकते हैं इसको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। अब मैं एक और ग्राफ आपको दे रहा हूं, अच्छा गुलशन, हाँ गुलशन बताइए कहाँ क्लियर नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड, हैंड रेज कर लीजिए, आप सबसे ऊपर आ जाओगे। इसके पहले वाले स्लाइड पर जाएं, अच्छा मैंने अनम्यूट कर दिया आपको गुलशन, यहीं पे सर, यही स्लाइड पे, अच्छा इसी स्लाइड में, इस स्लाइड में क्या दिक्कत है, यहाँ पे सर जो रेज कट कर दिए, क्यों कट कर दिया, देखो पता है कि टाइम निगेटिव नहीं होता है कभी, हाँ तो टाइम निगेटिव नहीं होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी मिलेगा वो भी तो नहीं फिर मिलेगा, बताए समझ में, अगर जब वो टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा ये, अच्छा ये ग्राफ क्या है, अब म्यूट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन समझ गया आपका, म्यूट कर लीजिए। ये जो ग्राफ आप जो ग्राफ बनाते हो या जो लीनियर इक्वेशन लिखा है ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताता है, और ये बताता है कि भाई टाइम इतना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ये है,
टाइम, अगर मान लीजिए टाइम 0 सेकंड लिया हमने तो वेलोसिटी जो है u के बराबर है, टाइम 1 लेंगे तो वेलोसिटी मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u प्लस a हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रख दिया, लेट से मैंने यूनिट को सेकंड मान लिया, तो इस तरह से मुझे वेलोसिटी मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर टाइम निगेटिव नहीं हुआ तो उस तरह का टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उस तरह का वेलोसिटी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस इधर का जो लाइन मिला था, जो वेलोसिटी और टाइम में मुझे जो ग्राफ मिला था, जो रिलेशन मिला था, उस पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब क्लियर है क्या मृगंक? चलिए पहले वाला स्लाइड इसका देखना था, देखिए गुलशन एक बार बता दीजिए क्या आप क्लियर है? बहुत अच्छे, गुड। चलिए अब आते हैं, अब आते हैं आगे नेक्स्ट वाले पर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मैं फिजिक्स के कुछ ग्राफ ले लेता हूं, हाँ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ या ड्रॉ पी वर्सेस, पी मींस प्रेशर, पी वर्सेस टी, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P versus T, draw P versus T graph, graph, graph for the equation, equation PV equals to NRT, NRT, ये गैस, ये गैस के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है? मैं थोड़ा सा अभी टर्म डिफाइन कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? देखिए यहां पर जहां पे आप लिख सकते हो, लिखोगे वेयर, वेयर, वेयर एन आर एंड वी, एंड वी आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, ये सभी क्या है, फिक्स्ड नंबर है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बता दूं, ये एक्चुअली होता क्या है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। आप जब गैसियस स्टेट पढ़ोगे ना, गैसियस स्टेट, उसमें ये इक्वेशन आएगा, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में ये इक्वेशन आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है? और मैं टर्म्स को डिफाइन कर देता हूं, टर्म को डिफाइन कर देता हूं, यहां पर जो पी आया यूज हुआ है वो प्रेशर के लिए यूज हुआ है, पी जो यूज हुआ है वो प्रेशर के लिए यूज हुआ है, वी यूज जो हुआ है वो वॉल्यूम के लिए यूज हुआ है, यहां पर जो एन यूज हुआ है वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर मुझे जो कैपिटल आर मिला है इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, एक्चुअली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं एक्चुअली इसको, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और ये जो टी होता है कैपिटल टी, दिस इज फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और चूंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी कैसा होगा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, यू कैन राइट हियर एब्सोल्यूट वाला, यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर लेते हो आप केल्विन में लेते हो, ठीक है? तो सभी लोग इसको देख लीजिए तो एक बार, हाँ रौनक ने सही आंसर भी बता दिया, बहुत अच्छे रौनक, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो जो करना है वो कॉन्सेप्ट यूज करते रहिए, जो करना है वो कॉन्सेप्ट यूज कीजिए बस,
सभी लोग राइट डन इफ यू हैव डन, सभी लोग डन राइट कीजिए अगर उनसे ये ग्राफ हो जाता है तो। हाँ ऑफ कोर्स ओरिजिन से ही पास करेगा। सो देखिए यहाँ पे गाइस, यहाँ पर मुझे अमृत हैज डन और लोग श्रेयांश आपका नहीं आ रहा है, होना चाहिए आपसे। अनन्या आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है। अनन्या अंशुबाला आप इनएक्टिव हो गए, पहले इनिशियल क्लासेस में आप अच्छा रिस्पांस करते थे। अनुष्का आयुषराज गुलशन इधर तुम भी इनएक्टिव हो रहे हो। खुशी क्रिस आप भी इधर इनएक्टिव हो गए, क्या बात है। थोड़ा सा साथ में चलना पड़ेगा पेस को। अभी देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लास्ट क्लास को ही एक तरह से रिपीट किया हुआ है और यहाँ पे बस एक्स्ट्रा में मैंने यही पढ़ा कि ग्राफ को कैसे अब फिजिक्स में अप्रोच करेंगे। सभी लोग दो से तीन लोग मात्र रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा इसका ग्राफ। ठीक है मैंने बताया आपको कि आपको क्या लिखना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी मैंने यूज किया हुआ है। क्या लिया हुआ है मैंने, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बहुत अच्छे सनी, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है और मुझे पी वर्सेस टी ग्राफ चाहिए, तो पी को तो मैं वाई मान लूंगा भाई, क्योंकि ये वर्सेस के पहले आ रहा है तो ये वाई हो, वाई वी इक्वल्स टू एन आर और ये कैपिटल टी को मैं एक्स ले लेता हूं। तो ये वाई इक्वल्स टू देखिए तो मैं इसको एन आर बाई वी इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं इनटू एक्स। यानी कि अगर हम मैं एम इक्वल्स टू इतना ले लूं, एन इक्वल्स टू एन आर डिवाइडेड बाय वी, यानी कि इस कांस्टेंट बोलना है तीनों कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स नंबर, दो फिक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई किसी फिक्स नंबर से डिविजन, हमेशा आपको एक फिक्स नंबर ही मिलेगा। तो ये इसको स्लोप की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि ये वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। तो इसका अगर मैं रफ डायग्राम बनाता हूं, पहले रफ डायग्राम ही बना लेता हूं। अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊंगा तो यू कैन राइट कि आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा। और ये जितने भी ग्राफ होते हैं, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे है वो सभी पॉजिटिव कांस्टेंट है, सभी पॉजिटिव कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स कभी निगेटिव नहीं होगा, वॉल्यूम अभी के लिए यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, वॉल्यूम भी निगेटिव नहीं, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होता है, ऐसे वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता है, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होता है लेकिन वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता, ध्यान रहे। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर 8 पॉइंट समथिंग होता है, आई थिंक सो 8.303 करके कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्लेम मत कीजिएगा कि सर आप इतना बताए थे, 8 पॉइंट समथिंग होता है ये, आई थिंक मुझे याद है। तो इसका ग्राफ ये एम जो है पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, सॉरी इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ठीक है तो ये क्या मिला मुझे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक और रफ डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा फिजिक्स का यूज होगा। फिजिक्स का यूज कैसे होगा गाइस, मैं यहां पर इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखूंगा और यहां पर मैं प्रेशर लिखूंगा। ठीक है और ये जैसा ग्राफ यहां पर बना हुआ था वैसा ही ग्राफ यहां पे बनेगा। ठीक है ऐसा ही ग्राफ यहां पे बनेगा, ये ओरिजिन हुआ था ये भी ओरिजिन, राइट। अब मुझे ये क्या मिल गया, पी वर्सेस टी ग्राफ मिल गया, पी वर्सेस टी ग्राफ। लेकिन इस पी वर्सेस टी ग्राफ में मैंने अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को यूज नहीं किया है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ये कहता है कि मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो जीरो निगेटिव नहीं हो सकता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको प्रेशर मिला है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा गाइस। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो इस निगेटिव यानी कि केल्विन केल्विन टेम्परेचर के निगेटिव वाले पार्ट के लिए
जो मुझे प्रेशर मिला है, सच प्रेशर्स कैन नेवर बी एग्जिस्ट इन फिजिक्स। तो यहाँ पर ये वाला यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आवर सिंपलेस्ट ग्राफ इज, आवर सिंपलेस्ट ग्राफ इज दिस वन। ये मुझे मिल जाएगा, क्लियर है गाइज? दिस इज पी, दिस इज सॉरी टी को मैंने स्मॉल लिख दिया, ये कैपिटल टी ही होगा, कोई स्मॉल टी मत लिख दीजिएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज डिनोटेड बाई कैपिटल टी, ठीक है। और ये मुझे मिल गया पी वी इक्वल टू एन आर टी, या यू कैन राइट कि पी इक्वल टू एन आर बाई वी, एन आर बाई वी इन टू टी। क्लियर है क्या सभी को? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन, चैट में सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए एक बार। सही है, चलिए एक और ग्राफ इस तरह का देखिए। लेट से मैंने लिखा कि एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स, ठीक है। ड्रॉ, रुकिए पहले मुझे इक्वेशन तो लिखा ही नहीं। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ किसके किसके वर्सेस तो लिखा ही नहीं मैंने। ड्रॉ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ ग्राफ इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, वेयर के इज, वेयर के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ये क्या हो जाएगा गाइज? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग दिया हुआ है, इस स्प्रिंग को मैं क्या करता हूं, अगर खींचता हूं दोनों तरफ पुल करता हूं, तो वहां पर जो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन को एक्स बोलेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और एफ, एफ मतलब फोर्स है, तो मुझे कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बीच क्या रिलेशन है ये। तो आपको एफ वर्सेस टी ग्राफ बनाना है यहाँ पे, सभी लोग एक बार ट्राई कीजिए। तो एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, एवरीवन जस्ट राइट डन इफ यू हैव डन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सभी लोगों ने कर भी लिया, सभी लोगों ने कर ली। तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। F को मैं अब डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, F को मैं सिंपली y लिख दूंगा, तो y equals to minus k x टाइप का ग्राफ होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी स्प्रिंग के लिए, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो ग्राफ होगा वो सिंपली ये हो जाएगा, इसका ग्राफ जो होगा सिंपली विल ग्राफ द इक्वेशन लाइक दिस। ये x हो जाएगा और ये इसको मैं f लिख देता हूं, f हो जाएगा, ठीक है। और ये y = -kx, ये ओरिजिन हो जाएगा।
तो यही सिंपली ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। सो देयर इज नो नीड टू यूज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हियर, ठीक है। तो मुझे सिंपली मिल गया एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स का ग्राफ ही मिल गया, राइट। चलिए तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस आपने सीख लिया और सभी लोग आई थिंक अप्लाई भी कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब पैराबोला के ग्राफ पे, ग्राफ ऑफ पैराबोला। हाँ गुलशन बताइए, रुके अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। जी बोलिए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर ये ग्राफ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर करवाइए। किसका बोलिए? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बीच कर पाएंगे हम बताइए। यहाँ ये पैराबोलिक बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ना बाबू। तो स्ट्रेट लाइन का भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, जब पैराबोला करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। yes. ये इसका ग्राफ जो है, अगर मैं एस वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करता हूँ, एस वर्सेस टी ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ होगा गाइस वो कैसा मिलेगा मुझे? देख रहे हैं यहाँ पे टी का स्क्वायर है, तो पैराबोलिक ग्राफ होगा। पैराबोलिक ग्राफ होगा तो वी नीड टू फर्स्टली नो अबाउट द ग्राफ ऑफ पैराबोला, ठीक है। चलिए मैं एक, अगर आपका आया हुआ है तो मैं एक ये दिखा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? गुलशन बताएगा? अच्छा बताओ, नहीं पहले से। बहुत अच्छे, हाँ बताओ क्या होता है गुलशन? हाफ एमबी स्क्वायर्ड। हाफ एमबी, बहुत अच्छे। आई थिंक सभी लोगों को याद, सभी लोगों ने आंसर भी किया है, बहुत अच्छे। तो एक बार बैक वाले पेज पर चले जाता हूँ। अगर मुझे पूछा जाए कि मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर, वी का मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ठीक है, इन द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन गाइस? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ होगा वो सिमिलर होगा, देखिए इसको काइनेटिक एनर्जी को y मान लेंगे, तो y इक्वल्स टू, देखिए अब आप सीखने लगे बहुत सारी चीजें, हाफ m और v स्क्वायर के जगह पे x लिख दिया जाए, क्या लिख देंगे हम लोग? x लिख लेंगे। तो ये y इक्वल्स टू mx टाइप का ग्राफ बनेगा गाइस, और m जो होता है यहाँ पे मास होता है, और मास कैन नेवर बी निगेटिव। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा? x एक्सिस के साथ 45 डिग्री नहीं, एक्यूट एंगल बनाते हुए इसका ग्राफ होगा और ओरिजिन से पास करेगा। क्लियर है क्या सभी को? ये बात समझ में आ रहा है क्या? फिर से एक ऐसा इसका ग्राफ होता है, एक मुझे कुछ कुछ फॉर्मूले याद आ रहे हैं। एक होता है पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, यानी कि पावर डिसिप्शन, यानी कि पावर का जो लॉस होता है या खर्च जो होता है वो आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। आई स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन अगर मैं पी वर्सेस, क्या नहीं समझे रिशु? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ एच इक्वल्स टू उतना होता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पावर के टर्म में बात करूंगा तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा गाइस। तो मैं पी वर्सेज आई स्क्वायर का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहता हूं तो उसका भी ग्राफ इसके जैसा ही होगा। तो ये सब ग्राफ फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है। जैसे ही आप कौन सा चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ोगे ना, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो आप अब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, एम जी एच। यहाँ पे भी G और M जो है वो कांस्टेंट है, तो U और H के बीच, U और H के, U यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस हाइट का ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो यू कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ
कि इसका भी ग्राफ वाई कोस एमएक्स प्लस वाई कोस एमएक्स के जैसा ही होगा। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच, ये फॉर्मूला होता है। अभी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके कन्विंस के लिए, बाद में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो ये सब फॉर्मूला आपको आपके सर डिराइव करके दिखाएंगे, और डिराइव करके दिखाएंगे तो उसके बाद का काम मैथमेटिक्स का हो जाता है, क्योंकि अब बार बार वहां पे आपको ग्राफ का वो प्लॉट तो नहीं बताते चलेंगे ना, तो उनका उनका प्रोसेस होगा कि वो क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को जनरेट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर हुआ है, और ये हाफ एम वी स्क्वायर के बीच अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के स्क्वायर के बीच का ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं तो इसका ग्राफ कैसा होगा। सो आप ये सब अब जान सकते हो। क्या ये सब बात क्लियर है? क्या आगे बढ़े हम लोग? अब आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताया गया है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत ही आसान लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आए थे ग्राफ ऑफ पैराबोला। कौन बोला गाइस? पैराबोला, ठीक है, इट्स पैराबोला। पैराबोला का ग्राफ बनाने के लिए आपको यह समझना इंपॉर्टेंट होगा कि इसके ग्राफ को बनाने के लिए मुझे इसका वर्टेक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वर्टेक्स जहां पर होगा, वर्टेक्स मुझे इसका मिल जाएगा तो बस मुझे इसका नेचर फाइंड आउट करना होगा कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो मैंने कुछ ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ आपको लास्ट क्लास में बताया था और उसका प्रोसेस भी बताया था, ठीक है? मैं उसको जस्ट रिकॉल कर देता हूं बहुत जल्दी से, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ को रिकॉल नहीं करूंगा, ठीक है? ये ग्राफ स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैंने एक क्लास को और कि किस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या क्या चीजें मुझे देखनी होती है, और दूसरा कि उसको फिजिक्स के साथ उसका कनेक्शन कैसे होगा, ये सब आज के क्लास में हमने देख लिया। इस आई थिंक पैराबोला का भी ग्राफ मैं रिकॉल कर देता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये एक्स एक्सिस हुआ था गाइस, ये वाई एक्सिस हुआ था, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है? तो मैं कहूंगा कि यहां पर इस पैराबोला का इक्वेशन यहां पर मैंने लिया हुआ है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है? उसी तरह मुझे अगर दिया हुआ हो कि वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और जहां पर इसका मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा गाइस? तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, एंड ये भी ओरिजिन से ही पास करेगा, ये भी ओरिजिन से ही पास करेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू अगर मुझे दिया हुआ हो x माइनस वन का होल स्क्वायर, या पहले मैंने लिया था राइट, चलिए इसी को ले, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है? तो मैंने बोला आपको बताया था कि इस तरह का ग्राफ और ऊपर ले लें, और ऊपर ले लेते y इक्वल्स टू x माइनस वन का होल स्क्वायर। हमने बताया था कि स्क्वायर टर्म के अंदर ही जो जितना अंक यानी कि जितना डिजिट सब्ट्रैक्ट होगा या जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट होगा आपका जो पैराबोला है उतना यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि ये इस वाले पैराबोला में मैंने क्या किया, एक्स के जगह पे एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, तो आपका ये वाला पैराबोला एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, आपको इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि यहां पर मुझे ओरिजिन तो मिल गया
और यहां पर मुझे कहीं पर x इक्वल्स टू 1 मिल गया, x इक्वल्स टू 1, तो ये 1 के आगे इस तरह से जाएगा और ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी इस तरह से जाएगा, राइट। तो ये क्या हुआ, जो भी लोब था वो एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ग्राफ बनाना हो इसका, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और इस वाले जो ये मैंने रेड कलर का ये वाला ग्राफ लिया हुआ है, इस ग्राफ को ये भी 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, कि मेरे पास जो इसका ग्राफ मिलना है वो कुछ ऐसा मिलना है, ये तो ओरिजिन हो गया था, यहां पर मुझे कहीं पर 1 मिलेगा, 1 यहां पर मिलेगा, तो ये 1 से इधर हो जाएगा और ये 1 से इधर हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में मैंने प्रोसेस आपको बताया था, इसको मैं तेजी से लेके जा रहा हूं। आप क्या कीजिएगा, जिसको भी डाउट हो वो क्या करेगा, आप
सॉरी एवरीवन, सॉरी एवरीवन, ये पावर कट हो गया इसलिए इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था तो नेटवर्क कनेक्शन चला गया। चलिए आई थिंक अब क्लियर होगा सभी को। वॉइस क्लियर है क्या मेरी? एक बार कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? गुड। तो इस तरह का ग्राफ जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, बहुत अच्छे। तो ये ग्राफ मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, तो जस्ट रिकॉल करते जा रहा हूं। ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, उसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो y इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये अपवर्ड पैराबोला का केस बनेगा। और अपवर्ड पैराबोला के केस फर्स्ट का इस वाले ग्राफ को एक यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल्स टू x स्क्वायर में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ मेरा लेफ्ट राइट साइड मूव करता है, शिफ्ट करता है। और अगर मैं y इक्वल्स टू x स्क्वायर में अगर x प्लस 1 कुछ ऐड करता हूं स्क्वायर वाले टर्म में तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो मुझे जो इसका ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा गाइस, ऐसा मिलेगा। इसका जो ग्राफ है मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है तो इधर ले लेते हैं और इधर ना, वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? आई थिंक एक दो लोग का शायद वॉइस क्लियर होना चाहिए, नेटवर्क सही आ रहा है? आई थिंक सही आ रहा है नेटवर्क, वॉइस तो क्लियर होना चाहिए। ये y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे x की वैल्यू 1 माइनस 1 पर जानी चाहिए थी, आयुष ये क्या कर रहे हो, कुछ लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं। नहीं चलिए, तो ये x इक्वल्स टू माइनस वन होगा, माइनस वन, और मेरा जो ग्राफ है वो इधर x इक्वल्स टू माइनस वन पर शिफ्ट करेगा। तो ये इधर से इधर चला गया और इधर से ऐसा, रुकिए एक्चुअली ये उतना स्मूथ बना नहीं, ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, तो ग्राफ स्मूथ बना देते हैं हम। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे इसका ग्राफ मिलता ये वाला कि y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होता तो मैं इसका ग्राफ देखिए इसी वाले एक्सिस पे बना दूं क्या? ये वाला ग्राफ जो होगा, चलिए दो एक्सिस क्या बनाऊं, ये y इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। और अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो मुझे x इक्वल्स टू माइनस 1 नीचे बन जाएगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ इधर बन जाएगा गाइस, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो रेड कलर का ग्राफ मिला है, ये आपको रेड कलर का जो ग्राफ मिला है ये आपको मिला है किसका, ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये इसका ग्राफ हो गया, राइट, ये इसका ग्राफ हो गया। रिशु क्या लिखा आपने? नेक्स्ट, स्क्वायर वाले टर्म के बाद अगर कुछ ऐड किया हुआ हो, लेट से मुझे ग्राफ बनाना हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो ग्राफ होगा वो स्क्वायर वाले टर्म में अब वाई एक्सिस में वन ऐड होगा, यानी कि जो शिफ्टिंग होगा वो वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग जो होगा वाई एक्सिस पर होगा, तो ये वाई इक्वल्स टू वन अगर यहां पर है
तो ये ग्राफ यहां से पास कर जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया था स्क्वायर के अंदर वाले टर्म में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है, लेकिन स्क्वायर टर्म करने के बाद कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऊपर और नीचे ग्राफ जाता है। तो स्क्वायर करने के बाद वन ऐड किया है तो ऊपर चला गया है। उसी तरह मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो डाउनवर्ड होता है गाइस। इसका ग्राफ कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। और मैंने उसमें वन ऐड किया है, इसका मतलब वो वन यूनिट ऊपर चला जाएगा, वन यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो पहले इसका ग्राफ इधर से मिल जाता और एक्स एक्सिस के नीचे हो जाता, लेकिन अब अगर मैं क्या करूंगा, इसमें वन ऐड करूंगा तो ये वन से पास करेगा, वन से ये वाई इक्वल टू वन यहां पर हुआ तो वन से पास करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। इसका ग्राफ ऐसा हो जाना चाहिए, राइट, इसका ग्राफ ऐसा हो जाना चाहिए। उसी तरह मुझे अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ चाहिए होता, एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ चाहिए होता तो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा? इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरीके से, देखिए ये जीरो हो गया, सॉरी जीरो बोल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए था एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन इसमें माइनस वन कर रहे हैं ना तो ये एक यूनिट नीचे जाएगा, एक यूनिट नीचे जाने का मतलब ये वाई एक्सिस को माइनस वन पर कट करेगा और नाउ इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा गाइस, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूं, एक इस तरह का ग्राफ लेता हूं, लेट से मैंने ग्राफ ले लिया y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो आई विल राइट कि इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला तो होगा, यानी कि अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता तो इसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे होना चाहिए था और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया है तो एक यूनिट और नीचे जाएगा, तो इसका ग्राफ एक यूनिट और नीचे जाएगा। तो कुछ मान लीजिए y इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे हुआ तो इसका ग्राफ यहीं से नीचे चला जाएगा, इसका ग्राफ यहीं से नीचे चलाएगा तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या सभी को? तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में ही खत्म किया हुआ था मैंने, ठीक है। अब इसके हेल्प से मैं कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूं। आपको मैंने होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास में और आपको बोला था कि आप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, किसी भी लड़के ने नहीं किया है, ठीक है। एक आया है आई थिंक मेरे पास, एक आया है मेरे पास, लेकिन नाम नहीं लिखा था। आई थिंक आप लोग जब सेंड कीजिएगा तो नाम के साथ सेंड कर दीजिए। लेट से मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स और प्लस थ्री। लेट से मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना होगा तो मैं इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। तो आई विल राइट कि मुझे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू इंटू ए के जगह पे एक्स मिला, इंटू बी के जगह पे टू, ठीक है। तो टू इंटू टू फोर, फोर एक्स अभी भी है ये। अगर मुझे इस टू का स्क्वायर मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो टू का स्क्वायर ले लिया मैंने, फिर माइनस टू का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि जितना हमने ऐड किया है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने टू का होल स्क्वायर ऐड किया है तो टू का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा एंड प्लस थ्री। तो ये वाला जो पहला यहां से यहां का जो टर्म मुझे मिला, दिस टर्म इज गोइंग टू बी एक्स प्लस टू टू द होल स्क्वायर और यहां पर ये मुझे मिलेगा माइनस फोर प्लस थ्री। तो आई विल राइट कि मुझे वाई की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन मिला। अब देखिए एक्स
स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला, एक बार रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं, यानी कि अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा। ये अभी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना। अब मुझे इसी के हेल्प से वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का ग्राफ चाहिए, तो मैंने बोला ना कि जब ग्राफ स्क्वायर टर्म के अंदर जाकर कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो मुझे इस ग्राफ को टू यूनिट्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना होगा। तो इसका ये वाला जो ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ, यहाँ पे अभी रफ ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान रहे, तो एक यूनिट दो यूनिट, दो यूनिट यहाँ पे हुआ माइनस वन या माइनस टू, तो इसका ग्राफ टू यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाता, ठीक है, ऐसा हो जाता। और फिर इसमें से माइनस वन किया है तो इसका मतलब एक यूनिट नीचे होगा, एक यूनिट नीचे चला जाएगा। तो नाउ आई कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल या दिस क्वाड्रेटिक पैराबोला, यानी कि दिस पैराबोला। तो आई विल राइट कि मुझे यहाँ पर जो पैराबोला मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसा मिलेगा, इसको हटा देता हूं मैं। माइनस टू पर इधर शिफ्ट करना था तो माइनस वन माइनस टू इधर हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस टू हो गया, और वन यूनिट नीचे भी ले जाना है माइनस वन पर, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स यहां पर हो जाएगा, वर्टेक्स कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का माइनस टू हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है ऐसी हो जाएगी, इसका वैल्यू, यानी कि इसका ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। एक बार और स्मूथली बना देते हैं, इसका ग्राफ कुछ मुझे ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ मुझे मिलेगा गाइस। बात आया समझ में सभी को, इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको चार से पांच ग्राफ दिया था, ठीक है, वो देख लीजिएगा, लास्ट क्लास का लेक्चर देख लीजिएगा, उसके पीडीएफ में आपको चार से पांच क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ग्राफ दिए हुए होंगे। जस्ट गो एंड ट्राई दिस ऑल, एंड फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो ये एक तरह से रिविजन ही था। और रिविजन के साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्या देखा हमने, तो एक्स्ट्रा बस ये देखा कि हाउ वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट या ग्राफिकल आइडिया इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी या फिजिक्स में इस ग्राफिकल आइडिया को कैसे यूज करेंगे, ये हम लोगों ने देखा। लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर मैं हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एंड देन उसके बाद दो एक क्लास और होगा, ठीक है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किसका ग्राफ, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इलिप्स एंड सर्कल का ग्राफ, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। और जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछते रहिए, ठीक है, डाउट्स पूछने में मत शर्माइए, इधर इन द ग्रुप और इस तरह से भी ऑनलाइन भी। चलिए, बाय बाय।